नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। आज की स्पेशल नोट्स तैयार किया गया यूपी टीईटी और यूपीएसआई के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कारक की। कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ क्या तो वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, इस वाक्य में गीता पीना क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म, अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। तो मुख्य रूप से हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। या फिर इसका एग्जांपल और ले लेते हैं हम। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को अपादान से पृथक, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक जो है तैयार किया गया है स्मरण के लिए। ये पद बहुत ही सटीक है जो इसमें 8 के 8 कारक सम्मिलित किए गए हैं। इसको दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप याद कर लेंगे तो आप कारक कभी नहीं भूलेंगे। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकारणादिक में मान, रे हे हो संबंध संबोधन, मित्र धरहूं यह ध्यान। यानी फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकारणादिक में मान, रे हे हो संबोधन, मित्र धरहूं यह ध्यान। दोस्तों इस चीज़ को आप नोट कर लें, नोट करके बार बार पढ़ें, याद करें, याद हो जाएगा तो आप कारक कहीं से पूछे, कैसे भी पूछे, आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम बात करेंगे कर्ता कारक की। कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया कार्य करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह ने है। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता, इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है। ने का प्रयोग प्रायः भूतकाल में ही होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की प्रक्रिया का कर्ता लड़की है, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेष इसका देखा जाए तो भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने परसर्ग या व्यक्ति चिन्ह नहीं लगता है। जैसे वह हंसा। बात नंबर 2, वर्तमान काल व भविष्य काल, भविष्यत काल की सकर्मक क्रिया के साथ कर्ता के साथ ने परसर का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह फल खाता है या वह फल खाएगा। बात नंबर 3, कभी कभी कर्ता के साथ
को तथा सा का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे बालक को सो जाना चाहिए, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला भी नहीं जाता, उससे शब्द लिखा नहीं गया, आदि इस तरह के शब्द जो है वर्तमान व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के साथ कर्ता के साथ नी परसर का प्रयोग नहीं होता। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक क्रिया के कार्य को, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता, जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है, इसके साथ परसर को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की प्रक्रिया का फल पत्र पर पड़ा है, अतः पत्र कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा। अब बात करते हैं कारण कारक की। तो करण कारक क्या है? संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बालक गेंद से खेल रहे हैं। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य है गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद से करण कारक है। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए विभक्ति चिन्ह के लिए को है। तो इसमें बात नंबर एक करते हैं, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, गुरु जी को फल दो, इन वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरु जी को संप्रदान कारक है। तो दोस्तों इस तरह से फिर हम बात करते हैं अपादान कारक की। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान का कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीत घोड़े से गिर पड़ा, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु से बिल्कुल अलग हो रही है। जैसे बच्चा छत कहाँ से गिरा? छत से गिरा, मतलब बिल्कुल अलग हो गया। संगीता घोड़े से गिर पड़ी, संगीता कहाँ से गिर पड़ी? घोड़े से गिर पड़ी, यानी ये दोनों का अलगाव हो रहा है अचानक से, तो वह अपादान कारक होगा। इन वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने से में अलग होने का प्रकट होता है, अतः घोड़े और छत से अपादान कारक हैं। बात करेंगे संबंध कारक की। दोस्तों शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है का के की रा रे री, जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, मतलब का किसका बेटा है? राधे श्याम का बेटा है, दोनों संबंध कारक हैं। यह कमला की गाय है, किसकी गाय है? कमला की गाय है, ये भी संबंध कारक है। इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटे से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यह यहाँ संबंध कारक होगा। अब बात करेंगे हम अधिकरण कारक की।
दोस्तों शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके व्यक्ति चिन्ह में पर है, जैसे भंवरा फूल पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। इन दोनों वाक्यों में फूल पर और कमरे में अधिकरण कारक है। अब बात करेंगे लास्ट कारक की, अंतिम कारक की, जो है संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, संबोधन चिन्ह हमारे ब्रैकेट में दिया गया है जो इस प्रकार होता है, इसका कारक चिन्ह है। और अरे भैया, ये संबोधन हो गया, संबोधक चिन्ह लगा है। क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ, इन वाक्यों में अरे भैया और गोपाल संबोधन कारक है। दोस्तों ये टॉपिक आज हमारी ख़त्म हो रही है। इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नए नए इस तरह के और वीडियो ले आएँ आपकी सुविधा के लिए। धन्यवाद।